भैया आपको लेके फिल्म बनानी है। तो मैंने कहा भाई मेरा सौभाग्य होगा, किसी के ऊपर कोई पैसे लगाता है तो बड़ा सोच समझ के लगाता है। आज फिल्म तो राकेश भाई इस फिल्म के ऊपर प्रकाश डालेंगे और मैं चाहूँगा कि देना। कोई भी डायरेक्टर कोई भी फिल्म जब भी बनती है उसका रूप हमेशा छुटा रहता है। तो जब मुंबई के अंदर ये स्थिति है कि यहाँ के लोगों को कम ऑप्शन होते हैं और उन्हीं के दम पे पिक्चर बिकती है, अगर हम चाहें कि सारे बुंदेलखंड के बन लें तो हमारी पिक्चर कोई नहीं खरीदेगा, ना ही कोई देखेगा। राजा बुंदेला ने इतने बड़े लोगों को लेके फिल्म बनाई थी, करता मकसद यही है, एक साफ सुथरा मकसद है। जैसे हमारे रवि भाई ने अभी कहा था कि भाई मैंने बहुत सारी फिल्मों का अनुरोध कराया, बहुत सारा ये हुआ, बट वो सामने उनका रिजल्ट जीरो रहा। तो राम भाई के बारे में बता दूँ, इनका तो ऐसा नहीं है। इसके बाद हमारा मूल ग्वालियर में भी है फिल्म का, इसी फिल्म का, और इसके बाद मुंबई में भी हम लोग रहा। आज यहाँ पर पकड़ फिल्म के बारे में आप लोगों ने बताया है, आप एक अच्छे कलाकार मशहूर कलाकार हैं, बुंदेलखंड में इस फिल्म को किस परिवेश में देखते हैं और क्या इससे फायदा होगा? बुंदेलखंड में सबसे बड़ा फायदा तो ये है, इसके माध्यम से जो लोग हमारे नेता लोग करप्शन कर रहे हैं, जो अपने शहर को अपने क्षेत्र को प्रगति में की ओर नहीं ले जाते हैं, सिर्फ अपना घर मारते हैं, उनके अंदर एक डर पैदा होगा कि समाज जाग रहा है और अगर हम समाज के साथ गद्दारी करेंगे तो वो निश्चित है कि आगे नेता के रूप में पब्लिक के बीच में काम नहीं करेंगे। बुंदेलखंड परिवेश में ये फिल्म बन रही है, बुंदेलखंड के कलाकारों को मौका दिया जाएगा क्या या कलाकार बाहर से आएंगे? बुंदेलखंड के 90% लोग इस फिल्म में काम करेंगे, 10% कलाकार मुंबई से आएंगे। उसका कारण ये है कि हमें नॉन फेस की जरूरत पड़ती है, एक जो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है वो मुंबई से ही संचालित होता है और अगर मुंबई के कलाकार होंगे तो हमारी फिल्म ज़्यादा अच्छे स्तर पे ऊपर पहुंच सकेगी और अच्छे पैसे से बिक सकेगी। बुंदेलखंड में बेरोजगारी का आलम है, लगभग सरकार के कई दावे फेल हैं, आप बुंदेलखंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, कलाकारों को भी मौका दे, क्या लगता है इससे बेरोजगारी को निजात दिलाने में कुछ सफलता मिलेगी? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा आकार है, और लेकिन जो हमारे भाई कलाकार हैं जो कला के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच मिल जाए। सभी के लिए तो इस क्षेत्र में नहीं मिल सकता, लेकिन ये है कि कोई लाइट मैन होगा, कोई कैमरा मैन होगा, कोई रिमोट बॉय होगा, कैमरे के पीछे भी बहुत लोग काम करते हैं, उनको भी काम मिलेगा, उनकी भी रोजी रोटी चलेगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में बेरोजगारी खत्म करने का ऐसे एक बड़ा कदम माना जा सकता है? इसको एक बड़ा कदम तो माना जा सकता है, लेकिन तब माना जा सकता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पूरे देश में भोजपुरी फिल्मों के अपने सिनेमा हॉल हैं, हमारे बुंदेलखंड की भाषा के लिए सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं, आज मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल हो गए हैं और उन मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की टिकट इतनी महंगी होती है कि आम आदमी उन पिक्चरों को नहीं देख पाता है। अगर हमारी वही 15-20 रुपये 25-30 रुपये तक की अगर टिकट होगी और वही पुराने सिनेमा हॉल खुलेंगे तो हमारी फिल्में निश्चित है कि चलेंगी और एक बड़ा रोज़गार यहाँ बुंदेलखंड के लोगों को मिल सकेगा। पकड़ नामा की मूवी जो संचालित हो रही है, क्या इसकी थीम है और कब तक ये आएगी? ये करीबन 2022 के मार्च तक रिलीज होने का पूरा प्रयास है। पकड़ जो है ना, जो एक सब्जेक्ट है जिन लोग, एक आदमी बड़ा परेशान है ग्रामीण क्षेत्र का संबंध से, सरपंच पूरा सरकारी पैसा ले लगाता है, लोगों का पैसा भजाता है, उस पैसे का उजार करने के लिए वो पकड़ का एक थोड़ा सा मैं पूरे रूप से नहीं बता सकता कहानी, क्योंकि ये सस्पेंस वाली फिल्म है। अच्छा, इसमें इसकी क्या खास बात रहेगी, यहाँ बुंदेलखंडी कलाकारों को मौका दिया जाएगा, क्या रहेगा? संपूर्ण फिल्म, ये पूरी पिक्चर बुंदेलखंड को समर्पित है,
बुंदेलखंड के जितने आर्टिस्ट हैं, जितने कलाकार हैं, सबको एक अच्छा मंच इंटरनेशनल पे परिचय कराने का मेरा पूरा पूरा प्रयास है। क्या लगता है कि बुंदेलखंड में जिस तरह बेरोजगारी का माहौल है, तो यहाँ रोजगार उपलब्ध हो पाएगा क्या? बिल्कुल, मतलब ये फिल्म क्षेत्र इतना बड़ा प्लेटफार्म है रोजगार का, अगर अपन प्रयास करेंगे तो अपनी बेरोजगारी इतनी जल्दी खत्म होगी। जैसे साउथ के सारे लोग बेरोजगारी से घूमते इस समय, साउथ टॉप पर पहुंच गया विश्व लेवल का, मेरा भी प्रयास है थोड़ा सा मेरा इस प्लेटफार्म पर कुछ करके दिखाएं। सरकार की तरफ से सहयोग करने की क्या उम्मीद दिखाई देती है? सरकार पूरा सहयोग करेगी, और उसके लिए मुझे कुछ थोड़ा कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जब भी सरकार मेरा सहयोग करेगी। तो मेरा प्रयास पहले ये है कि मैं थोड़ा कुछ करूं, उसके बाद मैं सहयोग लेने के लिए सरकार से आवेदन करूंगा। तो इसको माना जा सकता है कि ललितपुर में फिल्म की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल, यहाँ के कलाकारों को मौका बिल्कुल हो चुकी है। और अशोक जी वो कलाकार हैं, वो स्टार हैं मतलब ललितपुर के, जो आपको एहसास कराएंगे कि अभिनय क्या होता है, और वो भी किसी अमिताभ से कम एक्टिंग नहीं कर सकते, उससे भी बेस्टर एक्टिंग कर सकते अगर उनको मंच मिले, मौका मिले।